दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा कंपनी की न्यूली लॉन्च गाड़ी जिसका नाम है महिंद्रा XUV 3XO। दोस्तों इस गाड़ी को जो है महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में, और हम इसके बेस वर्जन यानी कि MX1 जो कि 1.2 लीटर में आता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इसको कैश में खरीदते हैं तो मैं इसकी आपको सभी टैक्सेस के साथ कैश प्राइस बताऊंगा, जैसे कि इसकी एक्सरूम प्राइस कीमत क्या होगी, उस पर GST सेस कितना परसेंटेज में लगेगा, रजिस्ट्रेशन आरटीओ रोड टैक्स के खर्चे क्या होंगे, इंश्योरेंस में कितना क्लेम मिलेगा थर्ड पार्टी ओन डैमेज का, फास्टैग और हाइपोथिसिकन के कितने लग जाएंगे, ये कैश में ओवरऑल कितने की पड़ेगी महिंद्रा XUV 3XO बेस वर्जन के साथ, यानी कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी। और दोस्तों जो भाई हमारे फाइनेंस कराना चाहते हैं यानी कि लोन पर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी फाइनेंस डिटेल बताऊंगा। 2 लाख की डाउन पेमेंट पर दोस्तों फाइनेंस का प्लान बताऊंगा, जिसमें आप लोन अमाउंट पर मंथ की किस्त और दोस्तों सारी जानकारी ले पाएंगे। फाइनेंस की भी आपको 3 प्लान देखने को मिलेंगे, 5 साल, 6 साल और 7 साल तक के। और दोस्तों HDFC बैंक जो अपना कार लोन का प्लान दे रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, HDFC बैंक कार लोन के प्लान के बारे में भी। तो आइए पहले जानते हैं दोस्तों गाड़ी का कैश प्राइस क्या लॉन्च करा है कंपनी ने। तो महिंद्रा XUV 3XO जो कि हमने इसके बेस वर्जन यानी कि MX1 1.2 लीटर TCMP FI लिया है, ये बेस वर्जन है दोस्तों इस गाड़ी का। और बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी की प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्सरूम प्राइस आपको पड़ेगी 7,49,000 रुपये, और इस कीमत में आपकी 28% GST और 1% से इसकी कीमत पहले से ही जुड़ी हुई है। और बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन यानी कि आरटीओ रोड टैक्स की, तो इसका टोटल खर्चा पड़ेगा 64,920 रुपये का। इंश्योरेंस में आपको 3 साल का थर्ड पार्टी क्लेम, 1 साल का ऑन डैमेज क्लेम मिलेगा, जिसके बनते हैं 40,816 रुपये। फास्टैग हाइपोथिसिकन के 2,000 बैठते हैं, और ये कैश में पड़ेगी महिंद्रा XUV 3XO 8,56,736 की। दोस्तों ये है इसकी कैश कीमत यानी कि ये इसकी ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप इस गाड़ी के अदर वर्जन की कीमत भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें, मैं आपको उनकी भी कीमत बताने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के फाइनेंस प्लान के बारे में। जो भाई हमारे फाइनेंस में यानी कि लोन पर खरीदना चाहते हैं इस गाड़ी को, तो मान लीजिए अगर आप इसको लोन पर कराने के लिए इसकी डाउन पेमेंट कम से कम करते हैं 2 लाख के आसपास मोटी मोटी, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आता है 6,56,736 का। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर 8.90% लगाने पर, जो कि HDFC बैंक ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसको 5 साल, 6 साल या 7 साल तक फाइनेंस कराते हैं 2 लाख की डाउन पेमेंट पर, तो 7 साल के प्लान पर आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 10,700 की मंथली, और अगर आप 6 साल का प्लान लेते हैं तब आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 11,968 की, और 5 साल के प्लान पर आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 13,760 की। दोस्तों ये सभी इसकी मंथली किस्त हैं 2 लाख की डाउन पेमेंट पर। मैं दोस्तों बता दूँ आपको, अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि अगर आप इसकी ज़्यादा या कम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको फाइनेंस का प्लान सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। दोनों डिटेल जो मैंने बताई है कैश की और फाइनेंस की बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी से। अगर आप कहीं अदर स्टेट अदर सिटी से वीडियो को देख रहे हैं हमारी और अपने शहर की भी सभी कीमत जानना चाहते हैं दोस्तों इसकी क्या चल रही है आपके सिटी में, तो आप हमें कमेंट करें। दोस्तों मैं आपको कीमत बता दूँगा, क्योंकि दोस्तों हर स्टेट में हर सिटी में टैक्सेस थोड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि टैक्सेस दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसमें लगातार। तो अगर आप अपने शहर की सही कीमत जानना चाहते हैं इस गाड़ी की, तो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।